वाल्मीकि आश्रम है, और सीता जी को जब वनवास दिया गया था तो अयोध्या से 30 कोस की दूरी पे उत्तर दिशा में उनको वनवास दिया गया था, और ये वाल्मीकि आश्रम है। सीता जी यहीं छोड़ी गई थी, लव कुश यहीं पैदा हुए थे। और जब सीता जी को प्यास लगी थी तो लक्ष्मण जी ने इस झील से पानी निकाला था और उसके में उनकी प्यास बुझाई थी। उसके बाद में सीता द्वार, पूर्वजों का कहना है कि सीता जी को यहीं लक्ष्मण जी छोड़े थे, और उसके बाद में सीता द्वार इसीलिए प्रसिद्ध है। और यहाँ सीता द्वार का नाम पहले सीता गुहार था, उसके बाद में सीता द्वार रखा गया। और उसके बाद में यहाँ पे हर साल कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, जो 5 दिवसीय मेला होता है। और बाहर से हमारे दूर दराज से जो मेलार्थी आते हैं उनके रहने की समुचित व्यवस्था यहाँ नहीं, राम के नाम पे विकास कुछ नहीं होता है। और जो अधिकारी आते हैं वो परमिट देते हैं, नापी करा के वो परमिट देते हैं, लेकिन जो अधिकारी आते हैं साल 2 साल के बाद उनका ट्रांसफर हो जाता है, उसी कागज में सिमट के रह जाता है। गंदगी का कोई इतना साम्राज्य नहीं है, गंदगी के लिए पूरी टीम लगी हुई है, सारी साफ सफाई उसकी चल रही है, और मेले में आपको पूरी सफाई नजर दिखती हुई आएगी। जलकुंभी केवल रहती है, वो माता सीता का प्रताप है, जलकुंभी पूरा साल रहेगी, और जैसे मेला आएगा वैसे जलकुंभी एक किनारे चली जाएगी। और रही बात यात्रियों के ठहरने की, वो समुचित प्रयास किए गए हैं, उसके जिला पंचायत का डाक बंगला भी सुरक्षित कर दिया गया है, अगर कोई आता है तो उसके रहने की व्यवस्था पूरी तरीके से होगी। और आने वाले दिनों में, अभी हमारे पर्यटन प्रमुख सचिव मान्य अवनीश अवस्थी आए थे और हमने उनको पूरा जायजा लिया, उन्होंने घूम टहल करके और उसको पर्यटन स्थल विकसित करने के उद्देश्य से उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि यहाँ पे एक बहुत सा अच्छा से अच्छा कोई एक गेस्ट हाउस बनना चाहिए, यात्री निवास, और 30 बेड के अस्पताल को भी संस्थित देख करके गए हैं।